नमस्कार दोस्तों, विरल संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे भारत में मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास की कुछ जानकारी साझा करेंगे और इसके द्वारा जारी किए गए अलग अलग मूल्य वर्ग के नोटों के पहले इश्यू को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानने से पहले उस बैंक के बारे में जानते हैं जो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के गठन से पहले भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत थी। इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका गठन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1920 द्वारा किया गया था। तत्कालीन भारत के तीन प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 1921 को हुई थी। 38 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किए गए इस परिवर्तन को भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से कानूनी मान्यता दी गई, जो 1 जुलाई 1955 से लागू हुआ। 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी। आइए देखते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर सर्टिफिकेट है, जिसे 17 मार्च 1936 को कलकत्ता से जारी किया गया था। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पार्क स्ट्रीट शाखा का विड्रॉवल फॉर्म है, जिसे वाटरलो एंड सन्स लिमिटेड लंदन में छापा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने औपचारिक रूप से परिचालन शुरू किया, जिसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था। बैंक का गठन बैंक नोटों के इश्यू को नियंत्रित करने, मौद्रिक स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखने और देश की क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करने के लिए किया गया था। इसने सरकार से मुद्रा नियंत्रक के कार्यों और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋणों के प्रबंधन को लेकर संचालन शुरू किया। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर और कानपुर के मौजूदा मुद्रा कार्यालय बैंक के निर्गम विभाग की शाखाएं बन गए। तब दिल्ली में बैंक के कार्यालय का होना जरूरी नहीं समझा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे मूल रूप से एक शेयर धारक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। मुद्रा शास्त्री और पुस्तक फ्रॉम रुपीज टू पेपर प्रॉमिस अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेपर मनी के लेखक डॉक्टर निलेश ने अपनी पुस्तक में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लिखा है और इसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सामूहिक तस्वीर को पृष्ठ संख्या 178 पर छापा है। जहां आप पहली पंक्ति में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न आर्कल स्मिथ और दूसरे गवर्नर सर जेम्स ब्रैड टेलर को तस्वीर में बैठे हुए देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार बैंक नोट के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। नोट के मूल्य का भुगतान मांगे जाने पर जारीकर्ता होने के नाते आरबीआई द्वारा देय था। बैंक नोटों पर छपा प्रॉमिसरी क्लॉज, यानी मैं धारक को रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करता हूं, बैंक नोट धारक के प्रति बैंक की ओर से दायित्व को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालांकि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ और पांचवें गवर्नर केजी अंबेगांवकर
ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए किसी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर अमिताभ घोष सबसे कम समय मात्र 19 दिन के लिए गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। हालांकि इतने कम समय पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने अलग अलग मूल्य वर्ग के नोटों पर हस्ताक्षर किए थे। श्री शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। आरबीआई ने सबसे पहले जनवरी 1938 में किंग जॉर्ज VI के चित्र वाले 5 रुपए के नोट जारी किए। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1000 और 10000 रुपए के नोट जारी किए। 3 मार्च 1943 को आरबीआई ने 2 रुपए के नोट को जारी किया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया अब तक का सबसे छोटे मूल्य वर्ग का नोट है। आइए देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अलग अलग मूल्य वर्ग के पहले इशू को। यह 2 रुपए का पहला इशू है जिस पर सर जेवी टेलर के हस्ताक्षर हैं। यह देखिए 5 रुपए का पहला इशू, इसे भी सर जेवी टेलर ने हस्ताक्षरित किए थे, जिसे जनवरी 1938 में जारी किया गया था। यह 10 रुपए का पहला इशू है जिसे सर जेवी टेलर के हस्ताक्षर के साथ फरवरी 1938 को जारी किया गया था। आरबीआई ने 20 रुपए का नोट पहली बार जून 1972 में एस जगन्नाथन के हस्ताक्षर के साथ जारी किए थे। पचास रुपए का पहला नोट भी एस जगन्नाथन के हस्ताक्षर के साथ मई 1975 में जारी किया गया था। यह 100 रुपए का पहला नोट है जिसे आजादी के पहले मार्च 1938 में दूसरे गवर्नर सर जेवी टेलर के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया था। यह 200 रुपए का पहला नोट है जिसे 24वें गवर्नर श्री उर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान 2017 में जारी किया गया। आरबीआई ने 500 रुपए का पहला नोट अक्टूबर 1987 में आरएन मल्होत्रा के कार्यकाल में जारी किया था। 1000 रुपए का पहला नोट भारत की आजादी से पहले जून 1938 में सर जेवी टेलर के कार्यकाल में जारी किया गया था। यह 2000 रुपए का पहला नोट आरबीआई गवर्नर श्री उर्जित पटेल के कार्यकाल में जारी किया गया था। यह 5000 रुपए के पहले नोट का स्पेसमैन है जिसे आरबीआई ने अप्रैल 1954 में गवर्नर वी रामाराव के हस्ताक्षर के साथ जारी किया था। यह 10000 रुपए के पहले नोट का स्पेसिमेन है जिसे आरबीआई ने जून 1938 में सर जेबी टेलर के कार्यकाल में जारी किया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट है। 1938 में बर्मा, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारतीय संघ से अलग हो गया, लेकिन वर्मा मॉनेटरी अरेंजमेंट ऑर्डर 1937 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्मा के जापानी कब्जे में आने तक और बाद में सितंबर 1946 तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्मा के लिए छापे गए नोट भारत में वैध मुद्रा नहीं थे और आरबीआई द्वारा जारी किए गए सभी नोटों को वर्मा से जून 1950 में विड्रॉ कर लिया गया था। ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था को इन्फ्लेट करने के लिए जापानी सेना जाली नोट बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करने लगी थी।
वर्मा के लिए जारी किए गए नोटों से ओवरप्रिंट को मिटाकर भी कुछ नोटों को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल कर दिया गया था। इनमें से कुछ नोटों को बैंक द्वारा पहचान कर उन नोटों पर वर्मा नोट पेमेंट रिफ्यूज्ड की मुहर लगा दी थी, जिससे कि वह नोट दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सके, जबकि कुछ नोट कभी भी पकड़े नहीं जा सके। ये देखिए ब्रिटिश भारत में यूज हो रहे एक 10 रुपए के जाली नोट। इस नोट को वाटरमार्क के साथ स्थानीय रूप से बनाई गई प्रिंटिंग प्लेट द्वारा भारत में जाली बनाया गया था। यह नोट प्रचलन में था और आरबीआई द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका था। सीडी देशमुख के हस्ताक्षर प्लेट में उकेरे गए थे और अन्य डिजाइनों के साथ नोट छापे थे। 1957 में किंग जॉर्ज सिक्स श्रृंखला को प्रचलन से वापस ले लिया गया था। तब तक इस नोट की पहचान बैंकों द्वारा जाली नोट के रूप में नहीं की जा सकी थी। यह देखिए 100 रुपए का जाली नोट, जिसे बैंक ने वर्मा नोट पेमेंट रिफ्यूज की मुहर लगाकर जब्त कर लिया था। भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया, जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परिचालन शुरू नहीं किया था। भारतीय रिजर्व बैंक आज भी भारत के मुख्य केंद्रीय बैंक और मुद्रा संचालक की तरह काम कर रहा है और भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। बैंक नोट से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और विरल संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपके सुझाव हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर भेजें। विरल संग्रह चैनल के पेज पर जाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे विरल संग्रह के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।